इधर वो क्रिश्चियन है, इधर वो मुस्लिम है, अल्लाह ने हम सबको एक ही बनाया है। तो मैंने इनको जब ये कहा, इनको ये ऑफ़र दी, ये फ़ौरन रेडी हो गई। ये घर का काम करते करते बेचारी आती थी, कभी कपड़े धो रही हैं कभी क्या, और उस हुलिये में ये आती थी लेकिन पढ़ती थी। मैं जिसके घर में भी जाती थी मैं इनको बताती थी ना कि मेरी में क्वालिफिकेशन इतनी है, और मुझे सब ये कह रहे थे ना तुम लगती नहीं हो, तुम मेड लगती नहीं हो, तुम पढ़ी लिखी लगती हो। जब मैं इनको बताती थी हाँ मेरी मैट्रिक नहीं है, मैं मिडिल क्लास हूँ, तो मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा तुम ये छोड़ दो, तुम पढ़ लो, हम तुम्हारी फ़ीस अदा कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल प्रिंसिपल से मिलवाना चाह रहे हैं जिसने अपने पास पढ़ने वाले दो बच्चों की गरीब माँ को मासी से नर्स बना दिया। कराची के इलाके ईसा नगरी में मौजूद अचीवर स्कूल अकेडमी के प्रिंसिपल ने नहायत शानदार काम किया कि किसी गरीब और मुस्तहिक मासी की ख्वाहिश पूरी करके उसे नर्सिंग जैसी बाइज्जत रोजगार पर लगा दिया। स्कूल प्रिंसिपल ने इस मासी की तमाम तर तालीमी खर्चात बर्दाश्त किए और आज वो खातून हॉस्पिटल में नर्सिंग के काम से वाबस्ता है और अपनी मोहसिना को दुआओं से नवाजती है। ये दुनिया का एक अजीब मिशन है कि इसमें एहसान और भलाई और नेकी कभी जाया नहीं जाती। बहरहाल आज हम इस स्कूल प्रिंसिपल और नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता खातून से पूछेंगे कि उन्होंने इतना मुश्किल सफर किस तरीके से तय किया और इनकी राह में कौन सी रुकावटें आईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपको किस तरीके से ख्याल आया कि आपको इस तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दिल में जो ख्याल आया था कि मैं दोनों उठी हलाल कमा रही थी लेकिन एक वाइट कॉलर जॉब के दुनिया इज्जत करे, इधर वो क्रिश्चियन है इधर वो मुस्लिम है, अल्लाह ने हम सबको एक ही बनाया है। तो मैंने इनको जब ये कहा, इनको ये ऑफ़र दी, ये फ़ौरन रेडी हो गई। ये घर का काम करते करते बेचारी आती थी, कभी कपड़े धो रही हैं कभी क्या, और उस हुलिये में ये आती थी लेकिन पढ़ती थी। जब इन्होंने तालीम मुकम्मल की 9-10 इनको मिल गई, उसके बाद मैंने इनको टीचिंग उस पर रखा। एक साल इनको मैंने गाइड किया कि आप ट्रेन हो जाओ, ये मेरे साथ एज ए हेल्पर रही। इत्तेफाक की बात है उसमें इनको एक जगह से ऑफर आई हॉस्पिटल से, इन्होंने मुझसे मशवरा लिया। मैंने उनसे कहा कि बेटा आप फ़ौरन अप्लाई करो, वो स्विचिंग करना अच्छी बात है, हो सकता है कि अल्लाह आपको वो कर दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनको फ़ौरन नर्स की जॉब आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ये नर्सिंग की जॉब कर रही हैं, वहाँ पे भी पेशेंट्स की खिदमत कर रही हैं। तमाम डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इनसे खुश हैं और आई होप सो कि इंशाल्लाह ये और आगे बढ़ेंगे। नर्स बनने का शौक आपको कब से था? नर्स बनने का शौक तो मुझे बल्कि बचपन से था, लेकिन वो थोड़े से बस घरेलू मसले थे लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन मिस सना ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने उनसे मशवरा लिया कि मैं क्या करूं, मेरी मतलब कि मिडिल क्लास है तो मैं कैसे करूं। उन्होंने फिर मुझे बोला कि तुम बेटा मेरे पास पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हारी तालीम हासिल करवाऊंगी, लेकिन तुम यह कि हिम्मत नहीं हारना। और जब कभी मैं थोड़ी सी पीछे हटती थक जाती थी तो फिर रोती थी मैं कि मैं कैसे करूँ, नहीं हो पाता, तो कहती फिर कोई बात नहीं। मुझे बहुत मतलब कि हौसला दिया, बहुत अप्रिशिएट किया, और जितना भी मतलब कि मैं इनका शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। शादीशुदा ज़िंदगी को किस तरीके से हैंडल करती थी, फिर आप साथ साथ पढ़ाई भी करती थी, तो इन दोनों जिंदगियों को किस तरीके से हैंडल करती थी आप? बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल। रातों को पढ़ना, मैं कहती हूँ मैरिड लाइफ बहुत मुश्किल है, घर को देखना, ससुराल वालों की बातें। और मेन चीज़ तो मेरे ससुराल वाले मुझे कहते थे कि तुम कभी भी कामयाब नहीं होगी, तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम अपनी बेटी को देखो, जो तुमने मतलब कि अपने ऊपर जो पैसा लगाना वो अपने बच्चों पर लगाओ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैं कि जब एक टीचर एक प्रिंसिपल मेरा साथ दे रही है तो आप मेरे हस्बैंड हैं तो आप क्यों नहीं मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं जिसके घर में भी जाती थी मैं उनको बताती थी ना कि मेरी में क्वालिफिकेशन इतनी है, और मुझे सब ये कह रहे थे ना तुम लगती नहीं हो, तुम मेरी लगती नहीं हो, तुम पढ़ी लिखी लगती हो। तो मैं उनको बताती थी हाँ मेरी मैट्रिक नहीं है, मैं मिडिल क्लास हूँ, तो मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा तुम ये छोड़ दो, तुम पढ़ लो, हम तुम्हारी फ़ीस अदा कर देंगे, कभी किसी ने नहीं बोला। और ये चीज़ सिर्फ मुझे मिस सना ने बोली और मुझे समझाया कि बेटा तुम्हें इतनी मतलब कि तुम इतनी एक्टिव हो, तुम कर सकती हो, तुम करो, जहाँ पे भी तुम्हें सपोर्ट करने मिलेगी मैं तुम्हें करूँगी। और वाकई में मैंने इनमें एक माँ का और एक दोस्त का और एक प्रिंसिपल का जज्बा देखा है जो मतलब कि ये करती हैं। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।